हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल सारे ट्रेडर पे। आज निफ्टी का इंडेक्स के ऊपर बेस करके थोड़ा बहुत टेक्निकली देखेंगे कि निफ्टी क्या और भी नीचे जा सकता है, अगर जा सकेगा तो कितना नीचे तक जाएगा, एंड बैंक निफ्टी का भी स्पेशली क्या सिचुएशन होने वाला है नेक्स्ट कमिंग 1-2-3 में और नेक्स्ट वीक में, क्योंकि आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ रिएक्शन बहुत ऑपोजिट था। निफ्टी बहुत नीचे था, नीचे से थोड़ा बहुत रिकवरी मारा, एंड बैंक निफ्टी जो बहुत नीचे से बहुत पॉजिटिव रिकवरी में क्लोज हुआ है। मगर इस सिनेरियो में हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक बहुत अच्छा सा एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि निफ्टी क्या जो डाउन ट्रेंड है उसमें निफ्टी क्या सस्टेन करेगा इस लेवल पे। तो पहले जो मैं देखूंगा उसमें निफ्टी इंडेक्स देख लेता हूँ। ये एक्चुअली निफ्टी इंडेक्स है। इंडेक्स का फिगर आउट में आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट है ये डेली बेसिस चार्ट है, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान से देखोगे तो इस चार्ट का सपोर्ट जो रेंज है वो बहुत इजी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट रखा हुआ है। इसको कैसे हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं, इसका दो रीज़न है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ये जो लेवल है ये होल्ड कर रहा है, इस लेवल पे ऑलरेडी होल्ड कर चुका है, इस लेवल पे ऑलरेडी होल्ड करके ब्रेकआउट मारा था, एंड ये जो लेवल है इस लेवल पे भी ये होल्ड कर चुका था वन टाइम। तो दिस इज़ द मेन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ये सपोर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आप डेली बेसिस चार्ट की तरफ आप थोड़ा ध्यान दोगे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी का थोड़ा बहुत एक्युमुलेशन इधर में हो सकता है अगर आप लेवल मान के चलो। इसको छोड़ के अगर मैं और भी सपोर्ट रेंज अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये जो 34 जो डीएम है इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 99 करके देखता हूँ कि इसका सिनेरियो क्या है। 99 करके अगर आप देखोगे तो इसका देखिए ये जो लेवल था इस लेवल पॉइंट से ये ब्रेकआउट मारा था, उसके नीचे था, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट में किसन टच करके ये ऊपर भाग गया। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा वाइटल हो सकता है अगर आप प्रॉपरली थॉरली इसको स्टडी करोगे। इसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन में कितना दूर तक आ सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसमें मेरे ख्याल से ये एक हो सकता है प्रोजेक्टेड, एंड ये एक प्रोजेक्टेड हो सकता है। ये जो लाइन आप देख रहे हो इसमें आप एक रेजिस्टेंस लाइन आप बोल सकते हो, मगर रेजिस्टेंस हम तब कैलकुलेट करेंगे जब नीचे से निफ्टी रिटर्न बैक मारे। तो हम लोगों के पास अभी इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो है सपोर्ट लाइन, जिसमें अगर जूम करो करके आप देखोगे तो सपोर्ट इसको ही प्लेस में पड़ता है, जिसका प्राइस वैल्यू अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो कि 17,100 के आसपास। तो आप बोलोगे अभी चल रहा है 17,400, एंड आप बोल रहे हो 70,000, मतलब और भी 200 पॉइंट्स का क्या नीचे डाउन फिगर है, उसको भी थोड़ा अगर क्लैरिफाई करोगे तो थोड़ा सा आप नीचे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें मैं एक स्लाइट पैटर्न दिखा सकता हूँ आपको। ये वाला पैटर्न थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों मैंने
ड्रॉ किया हो, ये दो हटा देता हो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मगर इस पॉइंट का बहुत इंटरेस्टिंगली आप देख सको कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसका सपोर्ट दिखाया, दिस इज़ द वन नंबर पॉइंट। सेकेंडली, ये जो सपोर्ट दिया था इसके ऊपर कांस्टेंट बेसिस क्लोजिंग दिया एंड उसके ऊपर चला गया था। देन ये नीचे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था मगर समहाउ इसको ब्रेक नहीं कर पाया एंड ऊपर भाग गया। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है एंड उसके ऊपर बेस करके ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो ये जो लाइन है, अगर हम मान के चलोगे तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस एड्रेस करता है, जो अप्रोक्सीमेट 17,249। मैं इसको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकता मगर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 17,250 से 17,300 के आसपास हो सकता है, जिसमें आज का जो लो बना है वो 17,299 निफ्टी 50 इंडेक्स स्पॉट पे। तो ऑलमोस्ट जो टारगेट है, वो टारगेट आप बोल सकते हो कि वो टारगेट अचीवमेंट हो गया है। अभी इस हाई को अगर आप मान के चलो कि इस हाई को अगर एड्रेस करके मैं सब कुछ हटा देता हूँ, पर चार्ट क्लियर कर देता हूँ, इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ, एक सेकंड। अब एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके टॉप से, ए वाला जो बॉटम है इसको टच करके अगर एक्सटेंड करे तो देखिए अप्रोक्सीमेट जो फिगर आउट है वो यही प्राइस के आसपास आ रहा है। तो दैट मींस कि कुछ तो इस लेवल पे है। मेरे ख्याल से इस लेवल में जो करेक्शन दिया हुआ है वो मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट लो लेवल है, जो मेरे ख्याल से लास्ट लो भी हो सकता है। एंड ये चीज़ आपको सपोर्ट में नेक्स्ट काफ़ी सेशन में इम्पोर्टेंट सपोर्ट में आप बोल सकते हो 17,300 के आसपास। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कमिंग डेज में अगर निफ्टी ब्रेकआउट मारे तो। तो ये था डेली बेसिस चार्ट का 2-3 प्रोसेस, जिसमें आपको सिंपल चीज़ है कि कौन सा पैटर्न में आप कौन सा ट्रेड ले सकते हो। बट इसको अगर आप लोअर ग्राउंड पे भी ड्रॉ करोगे तो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया है। इस करेक्शन को अगर आप बोलोगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत ए मान के चलो ए अगर मान के चलोगे तो आप देख सकते हो कि जो हाई है उसको अगर नीचे करके उसको ऊपर कर देता हो, ये सही नहीं होगा। मगर इसके अगर कैलकुलेट जनरेट करूँ ना तो मेरे ख्याल से ए पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टारगेट हो सकता है नेक्स्ट कुछ दिनों में। 17,600 के आसपास इसका टारगेट होना चाहिए इजीली। एंड लोअर साइड में ये पॉइंट 17,250 जो मैंने लास्ट बोला था कि 250 रेंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है निफ्टी इंडेक्स के लिए। अब बैंक निफ्टी इंडेक्स में हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें अभी सिनेरियो क्या है। इसको
इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ओके। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो सेशन चालू हुआ था 27 को यहाँ पर, एंड उसके बाद एक सिंपल सा आप बोल सकते हो ट्रेड जनरेट ट्रेड ट्रेंड लिया है पॉजिटिव के लिए। तो डेली बेसिस चार्ट का अगर एनालिसिस करोगे तो थोड़ा बहुत निफ्टी जैसा ही रिएक्ट करता है। ये आप देख सकते हो कि बहुत इजीली 2-3 सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो लगभग एग्जैक्ट पॉइंट में इसको आप देख सकते हो। ये एक टाइम रेजिस्टेंस था, उसके बाद इस रेजिस्टेंट को ऊपर में भाग गया, ये नीचे सपोर्ट लाइन के ऊपर क्रॉस कर रहा, नीचे क्रॉस डाउन किया एंड इसको ब्रेकआउट करके ऊपर भाग, नीचे फिर से इस सपोर्ट लाइन को 2 बार टच किया एंड आप देख सकते हो उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर भाग गया था। उसके बाद ठीक नीचे आके ये नीचे कंप्लीट कर रहा है। दैट मीन्स इस लेवल बहुत अच्छा सा एक वाइटल पॉइंट की निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी ऊपर भागे। ये था निफ्टी का, अगर आप सपोर्ट रेंज बोलो तो यही है। ऊपर का ट्रेंड लाइन जहाँ तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टारगेट देख रहे हो तो कि 41,400 के ऊपर इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है जो बहुत ऊपर है। आप इसको अभी तक के लिए अवॉइड करिए क्योंकि ये बहुत दूर का टारगेट है। नीचे सपोर्ट मैंने एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर जहाँ तक ज़्यादा आप नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड इसका जो क्लोजिंग कैंडल का जो पैटर्न है उसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो पॉइंट है ये वाइटल है। 39,400 के आसपास ये वाइटल होगा एंड इसके ज़्यादा भी आप अगर एक्सपेक्टेशन रखते हो तो कितना आ सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 38,800 के आसपास। दैट मीन्स और भी 600 पॉइंट्स का ये गैप है। ये जो गैप आप देख रहे हो ये 600 पॉइंट्स का गैप है, ओके। इसके ऊपर निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो टारगेट है मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि 41,400 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है। अगर इस पॉइंट से भी आप ढूंढोगे तो बहुत ज़्यादा नीचे टारगेट दिखाएगा, जो मेरे ख्याल से अभी के लिए थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल हो सकता है ये टारगेट अचीव करने के लिए। तो जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट हो गया है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करे तो उसके बाद भी 600 पॉइंट्स का एक थोड़ा सा करेक्शन होके एक्युमुलेशन होके ये ऊपर भाग सकता है। बैंक निफ्टी का सेकंड जो पॉइंट है वो आप देख सकते हो ए वाला लेवल, जो बहुत मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ एंड फिर से ड्रॉ करता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके ऊपर बेस करके, तो ए पॉइंट से मैंने ए पॉइंट ड्रॉ किया तो उसका एक्सटेंड पॉइंट जो जनरेट हुआ है उसमें ए करेंट जो कैंडल ठीक है वो सपोर्ट कर गया। तो दैट मीन्स अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी बूम हो सकता है एंड नीचे जाए तो नीचे आ सकता है। मेरा पर्सनल अगर व्यू मानोगे तो इसमें CCI का एक डाइवर्जेंसी ऑलमोस्ट क्रिएट हुआ है पहले से। तो डेली बेसिस चार्ट में इसका जो पैटर्न है इसमें क्रॉसओवर आ सकता है एंड मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक इसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव एक ट्रेंड रहेगा अगर इस बैंक निफ्टी लेवल को
सपोर्ट करता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के साथ साथ अगर आपके पास कोई ट्रेड है तो ट्रेड आप अगर होल्ड कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से, दैट मीन्स स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। एंड अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर टाइम टू कैरी फॉर और एनी टाइप ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। तो थोड़ा बहुत अगर आपके पास लॉस हो रहा है तो बुक करके नेक्स्ट डे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट लगाए, क्योंकि कोई भी अगर पोजीशन ऑप्शन ले रहे हो तो नेक्स्ट डे में वो 40-50% डाउन में ओपन हो सकता है एंड आपका फंड भी 50% लॉस में घुस सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग।